अगर इस बार अगर आप आरआरबी पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये टॉपिक अभी से 1 सप्ताह लगभग टाइम है आपके पास, आप ये कर जरूर लेना अच्छे से इसका प्रैक्टिस, ठीक है। नहीं तो बाद में एग्जाम से निकलने के बाद अगर ये सब पूछा ही जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा रहेगा, आप मानो या ना मानो, है ना। फिर बाद में एग्जाम से निकलने के बाद ये मत कहना कि अरे हमने तो ये पूछ दिया, उसमें ये पूछा था, इसमें ये पूछ दिया था, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चीज है ना, जिस टॉपिक को ना लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, आएगा तो कर ही लेंगे एकदम, है ना, ऐसा कहने को मिलता है। देखो सबसे पहला जो टॉपिक है ना, सीरीज। देखो सीरीज में दो तरह का आता है, कि या तो मिसिंग आता है या फिर रॉन्ग आता है, लेकिन आता जरूर है, ठीक है ना। कहने को रहता है ना कि जो मिसिंग है ना वो आसान होता है और रॉन्ग जो होता है ना वो टफ होता है, ये आपका भूल है, ठीक है। पांच अगर सीरीज पूछता है ना, ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, आपका ये कर्तव्य दायित्व बनता है ना कि पांच में पांचों बनाओ। तो ये बनेगा कैसे, बिना प्रैक्टिस का आप सीरीज बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए सीरीज रोज का कम से कम 20, 30, 40, 50 जितना भी आप कर सकते हो, सीरीज का प्रैक्टिस दोनों तरह का आप करो ही करो, सीरीज का प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक जो मैथ में आता है, जितना तरह का क्वाड्रेटिक होता है ना, रोज का 10-20 कम से कम क्वाड्रेटिक जो है ये लगाओ ही लगाओ, ठीक है। क्वाड्रेटिक के बाद सिंप्लीफिकेशन में, दोनों सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों का क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कैसे, क्योंकि इस सबसे अगर टाइम आप बचाओगे ना तभी आप डीआई सॉल्व कर पाओगे, जो मिसलेनियस टॉपिक आता है वो सॉल्व कर पाओगे, ये सब आपको एकदम पूरा आना ही चाहिए, ठीक है। और लास्ट में ना, उसमें तो डीआई पूछ दिया, हमें तो कैसलेट पूछ दिया, कैसलेट का प्रैक्टिस कर लो इजी। जी देखो प्रीलिम्स से तो इजी आएगा, लेकिन कई बार ये होता है ना कि डीआई टफ रहता है और कैसलेट एक पूछता है ना वो आसान रहता है, लेकिन आपको बनाने नहीं आता है ना, जिसके चलते आप बना नहीं पाते और एक बहाना सा आ जाता है, अरे उस शिफ्ट में तो डीआई पूछ दिया था और हमें कैसलेट पूछ दिया था, तो हम मेरा तो स्कोर ही नहीं हो पाया। ये सब ऐसा एग्जाम देने के बाद में ऐसा ये सब बहाना चलता है। तो अभी जो समय है ना, थोड़ा सा इस टॉपिक के आप प्रैक्टिस कर लो, क्या पता कैसलेट पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, एकदम आपका कम से कम ये रहना चाहिए कि आपका स्कोर हो, आपका रिजल्ट आए, ठीक है। ये जो टॉपिक बताया हूँ, इस टॉपिक का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, अभी समय है, अभी कर लेना, नहीं तो फिर कहावत है ना, वो पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ नहीं मिलने वाला फिर बाद में, है ना, फिर अगले साल का इंतजार कीजिए, अभी 1 सप्ताह है, अच्छे से कर लेना। आई होप पूरा मैटर समझ गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो क्वेरी है पूछिए, एकदम सब बिंदास रहेगा। चलिए।